अगर मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, सबसे पहले जो एफ कैट के पेपर की बात यहाँ पे मैं करूं स्पेसिफिकली, सो यहाँ पे जो पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है इंग्लिश के आपके 75 क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग के 75 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के आपके 96 मार्क्स के 32 क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स का यहाँ पे हम क्योंकि मैथ्स डील कर रहे हैं तो मैथ्स में आपको देखना है कि 18 क्वेश्चंस पूछे गए हैं विच इज ऑफ 54 मार्क्स. सो 3 से 4 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस एट टाइम्स डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो पूछ लिए जाते हैं आपके बोर्ड स्ट्रीम रिलेटेड. ठीक है, तो बहुत आसान होता है, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड फॉर्मूलाज की रिक्वायरमेंट होती है, तो आज हम उसी को डील कर रहे हैं, सो दैट अगर बोर्ड स्ट्रीम से रिलेटेड फर्दर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाए तो आप उनको लेके इजिली सॉल्व कर लें. ठीक है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट जानते हैं कि अपस्ट्रीम होता क्या है, डाउनस्ट्रीम होता क्या है. तो यहाँ पे अगर मैं पिक्चर के थ्रू बताना चाहूँ, देखो डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, डाउनस्ट्रीम होता है जब आपके बोट की डायरेक्शन और आपके स्ट्रीम यानी जो वाटर बॉडी है इसकी डायरेक्शन सेम होती है. ठीक है, यहाँ पे आप फोटो के थ्रू इसको क्लियर करो, जब आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो और उसी डायरेक्शन में वाटर ऑलरेडी जा रहा है तो ये आपका हो जाता है डाउनस्ट्रीम. ठीक है, बोट अलोंग विद द स्ट्रीम. और अपस्ट्रीम क्या होता है, जब आपकी वाटर की डायरेक्शन ऑपोजिट है और आप उसके ऑपोजिट जा रहे हो. ठीक है, ऑल्टरनेट, तो ये आपका हो जाता है अपस्ट्रीम का. तो यानी अपस्ट्रीम में यहाँ पे देखो बोट अगेंस्ट द स्ट्रीम. तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अपस्ट्रीम क्या होता है, डाउनस्ट्रीम क्या होता है. अपस्ट्रीम में दोनों डायरेक्शन सेम में होता है और डाउनस्ट्रीम में ऑल्टरनेट डायरेक्शन होते हैं. ठीक है, अब इतनी बात क्लियर हो गई तो आगे बढ़ते हैं. सो अब आपके यहाँ से फॉर्मूला स्टार्ट होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको ध्यान में रखने की जरूरत है. ठीक है, अगर आपके बोट की स्ट्रीम होती है एक्स और आपकी जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम वो होती है वाई, तो फॉर्मूला क्या होता है अपस्ट्रीम के केस में, जो पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है वो है एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अपस्ट्रीम के केस में, और वाई स्ट्रीम के डाउन स्ट्रीम के केस में एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. ठीक है, दोबारा एक बार बताती हूँ, इफ स्पीड ऑफ बोट अगर हम एक्स मान लें और स्पीड ऑफ स्ट्रीम वाई मान लें, तो अपस्ट्रीम के केस में जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. ठीक है, और डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. ठीक है, सेकेंड, ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज आप याद कर लीजिए और इसी के बेसिस पे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हमें स्पीड ऑफ बोट निकालनी हो इन स्टिल वाटर तो फॉर्मूला बनता है डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम अपॉन टू, और डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, क्वेश्चन कभी डाउन स्ट्रीम दिया हो, स्पीड ऑफ बोट दी हो और आपको अपस्ट्रीम निकालना हो तो भी आप इजिली जो है रिवर्स करके निकाल लेंगे. तो यही दो मूल मंत्र हैं बोट स्ट्रीम क्वेश्चन के, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर विल बी डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाय टू, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम जब निकालनी हो तो डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाय टू. इतना फॉर्मूला क्लियर है सबको. अपार्ट फ्रॉम दैट, एक नॉर्मल फॉर्मूला जो हम अभी तक स्कूल डेज से पढ़ते आए, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये फॉर्मूला एक और आपको ध्यान रखना है. तो टोटल 5 फॉर्मूलाज हो गए. कौन कौन से, पहले ये 2 फॉर्मूलाज हो गए, अपस्ट्रीम के लिए एक्स माइनस वाई किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम के लिए एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. सेकेंड, स्पीड ऑफ बोट के लिए डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाय टू, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम के लिए डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाय टू. ठीक है, अब हम आगे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो विदाउट द यूज ऑफ सॉल्विंग करेंगे, विदाउट यूजिंग पेन हम ओरली इसको सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं. ठीक है, ये फॉर्मूलाज बस आप ध्यान में रखिएगा. एंड द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, ये स्पीड इज इक्वल टू आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया. एक ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे. चलिए अब आगे क्वेश्चंस पे पढ़ते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं. देखिए हमने 10 क्वेश्चंस लिए हैं, 10 क्वेश्चंस को हम ओरली सॉल्व करेंगे, और इसी तरह आप अपने एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मैथ्स के विदाउट यूजिंग योर पेन. ओरली सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम बहुत सेव होने वाला है विद द ट्रिक्स. तो आइए ट्रिक्स को अप्लाई करते हैं. देखिए क्वेश्चन 1 कह रहा है, अ मैन स्पीड विद द करंट इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ करंट इज 2.5 किलोमीटर पर आवर, द मैन स्पीड अगेंस्ट करंट कितना होगा. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन स्पेशली आपके एफकैट और आईनेट में पूछे जाते हैं, सीडीएस में भी एट टाइम्स पूछ ले जाते हैं मैथ सेक्शन में. तो यहाँ पे देखिए, स्पीड ऑफ मैन कितनी दे रखी है स्टिल वाटर में, 15 दे रखी है.
15 हमने लिख लिया, एंड स्पीड ऑफ करंट जो है वो 2.5 किलोमीटर है, और यहाँ पे पूछा है अगेंस्ट कितनी होगी। सो सबसे पहले 15 माइनस 2.5 कर लेंगे, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 12.5 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड निकल गई। अब क्योंकि मैन अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है, तो एक्चुअल स्पीड ये हो गई 12.5, जो है ये मैन की स्पीड हुई, क्योंकि यहाँ पे करंट के साथ फ्लो कर रहा है। मैन की स्पीड विद करंट इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ करंट इज 2.5 किलोमीटर पर आवर, यानी ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहां पे आप देखिए 15 माइनस 2.5, 2.5 किलोमीटर पर आवर हो गई, और मैन की स्पीड अगेंस्ट अगर हम निकालें तो अगेंस्ट कितनी हो जाएगी। अगेंस्ट के लिए मैंने बताया अगर अपस्ट्रीम जाएगा तो क्या होगा, 12.5 जो स्पीड हमारी निकली है माइनस 2.5, क्योंकि वो अगेंस्ट जा रहा है, तो एक्चुअल स्पीड से हम माइनस कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 10 किलोमीटर। काफी इजी था, ठीक है। तो यहाँ पे सी वाला आंसर हो जाएगा, यानी स्टिल वाटर में हमने निकाल लिया। दोबारा इसको समझा देती हूँ कि मैन की स्पीड थी करंट में 15 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ करंट वॉज 2.5 किलोमीटर। तो स्टिल वाटर में स्पीड क्या होगी, उसके लिए 15 माइनस 2.5 कर दिया, 15 किलोमीटर माइनस 2.5, आंसर आ गया आपका 12.5। उसके बाद अगेंस्ट जा रहा है, तो अगेंस्ट में देखिए 12.5 माइनस 2.5, तो आंसर आ गया आपका 10 किलोमीटर पर आवर। इसमें फॉर्मूला आपको यही ध्यान रखना है, देखिए अपस्ट्रीम है तो x माइनस वाई है, और डाउनस्ट्रीम है तो x प्लस वाई है, ठीक है, यही फॉर्मूला हमने यूज किया है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। इन 1 आवर अ बोट गोज 11 किलोमीटर, ठीक है, अलोंग विद अ स्ट्रीम एंड 5 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। 11 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम जा रही है, ठीक है, यानी सेम डायरेक्शन में है, एंड 5 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। 11 किलोमीटर एक ही स्पीड में और 5 किलोमीटर ऑपोजिट डायरेक्शन में। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालनी है, तो स्टिल वाटर के लिए क्या फॉर्मूला था स्पीड का निकालने का, देखिए यहां से देख लेते हैं। स्पीड ऑफ बोट निकालने के लिए डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाय 2, बिल्कुल यही फॉर्मूला लगा देंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। सो 11 प्लस 5 बाय 2 क्या हो जाएगा, 16 बाय 2, और ये आपका हो गया 8। सो 8 किलोमीटर पर आवर विल बी द आंसर। काफी इजी था ये, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अ बोट कैन ट्रेवल विद अ स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। स्पीड बता दी, इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा। बहुत आसान है ये भी, सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए स्पीड बता दिया ऑलरेडी, कितना है हमारा स्पीड, स्पीड है हमारी 13 किलोमीटर, ठीक है, 13 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड हो गई स्टिल वाटर में, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी ऐड करेंगे इसमें, तो ये 4 किलोमीटर पर आवर और ऐड कर लेंगे, अब टोटल स्पीड हमारी निकल जाएगी, वो हो जाएगी 17 किलोमीटर, ठीक है, 13 प्लस 4, क्योंकि स्ट्रीम की भी स्पीड है और बोट की भी स्पीड है, बोट की स्पीड हो गई 13, स्पीड की स्ट्रीम की स्पीड हो गई 4 किलोमीटर, तो टोटल स्पीड अब बोट कितने में चलेगा, 17 किलोमीटर में चलेगा। टाइम ऑलरेडी बता दिया, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला लगा देंगे, तो टाइम यहाँ पे दे रखा है। सो यहाँ पे हमें निकालना है फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट, तो 68 किलोमीटर डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड हमारे पास है 17 किलोमीटर, डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 4 आवर्स, तो 4 आवर्स का टाइम लगेगा। सिंपल था ये, देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है, डिफिकल्ट लग रहा है, बट एक्चुअली डिफिकल्ट है नहीं, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस और सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। बोट की रनिंग डाउनस्ट्रीम कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ठीक है, व्हाइल कवरिंग द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम इट टेक्स 4 आवर्स।
वॉट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वॉटर, में बोट की स्पीड बतानी है। चलो बहुत आसान है, इसको सॉल्व करते हैं। डाउन स्ट्रीम में देखो क्या हुआ था, डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड है 16 किलोमीटर, 2 घंटे में जा रही है, तो स्पीड निकाल लेते हैं पहले, 16/2 8 किलोमीटर पर आवर हो गई। उसी तरह अपस्ट्रीम में निकाल लेते हैं, 16 किलोमीटर जो है अपस्ट्रीम में ये 4 घंटे में कर लेती है, तो 4 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, अब स्पीड इन स्टिल वाटर क्या हुआ था, जो बताया था अपस्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम बाय टू स्पीड इन स्टिल वाटर, तो 8 + 4/2 क्या हो गया, 12/2 आंसर हो जाएगा 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर पर आवर। इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अब द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर एंड द रेट ऑफ करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर, द डिस्टेंस ट्रेवल डाउन स्ट्रीम इन 12 मिनट्स इज, बहुत इजी है, स्पीड दे रखा है, देखो स्पीड डाउन स्ट्रीम में कितनी हो जाएगी, अब स्पीड है हमारी 15 + 3 क्योंकि स्ट्रीम के साथ है, बोट और स्ट्रीम की स्पीड मिला के टोटल कितनी हो जाएगी, 18 किलोमीटर हो जाएगी, 18 किलोमीटर पर आवर हो गई है। अब डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, टाइम दिया गया है, फॉर्मूला लगाएंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हमें निकालना है, उस केस में क्या हो जाएगा, 18 × 12/60, ठीक है ये इजी कैलकुलेशन आपकी कट जाएगी, आंसर आ जाएगा आपका 3.6 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, सो 3.6 किलोमीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, यानी डी वाला आंसर सही है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डाउन स्ट्रीम इन 12 मिनट्स विल बी 3.6 किलोमीटर। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ बोट इन स्टैंडिंग वाटर यानी स्टिल वाटर दे रखा है स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो दे रखा है वो है 1.5 किलोमीटर। A man rows to a place at the distance of 105 km and comes back to starting point. Total time taken निकालना है। तो देखो speed already दे रखा है यहाँ पे। ये हो गया तुम्हारा। इसको कैसे निकालेंगे? X minus Y कर लेंगे। Still water का है and speed of stream 1.5 कर रखा है। तो speed upstream कितनी हो जाएगी? 7.5 किलोमीटर माइनस करेंगे और स्पीड डाउनस्ट्रीम कितनी हो जाएगी, ओरली कैलकुलेट करके अब x प्लस वाई एक्स माइनस वाई कर लेते हैं, स्पीड डाउनस्ट्रीम कितनी हो जाएगी, 10.5, ठीक है। डाउनस्ट्रीम में क्या किया हमने, x प्लस वाई किया और अपस्ट्रीम में x माइनस वाई किया, ठीक है ये कर लिया। अब टोटल टाइम दे रखा है इसमें, टोटल टाइम हमें निकालना है और 105 किलोमीटर ये जा चुका है, डिस्टेंस दे रखा है, तो 105 एक में 7.5 कर लेंगे जो स्पीड आई है, प्लस 105 अपॉन 10.5 कर लेंगे, दोनों का एवरेज निकाल लेंगे सॉल्व करके, तो आपका आंसर हो जाएगा 24 आवर्स, कैलकुलेट कर लेना 24 आवर्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो जहां पे जो बेसिक नॉर्मल फॉर्मूला है हमारा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही लग रहा है, अगर स्पीड है तो उसको आप वाइस वर्सा कर सकते हो, फॉर्मूला में प्लेस कर सकते हो, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन में आते हैं, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वॉटर इज 5 किलोमीटर पर आवर, इफ द स्पीड ऑफ बोट अगेंस्ट स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, वॉट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है इसमें। अब देखो इसमें मानते हैं हमें स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दे रखा है 5 किलोमीटर और स्पीड ऑफ बोट अगेंस्ट स्ट्रीम दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर, हमें निकालना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो अगर हम मान लें स्पीड ऑफ स्ट्रीम x किलोमीटर हो गई पर आवर, ठीक है, और स्पीड ऑफ बोट जो है वो हो गई 5 किलोमीटर
पर आवर जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है, और अपस्ट्रीम हो गई 3 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड ऑफ बोट कैसे निकल जाएगी, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम फॉर्मूला बिल्कुल वही पुराना वाला अपस्ट्रीम का फॉर्मूला। अपस्ट्रीम निकालने के लिए स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम करना है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ बोट क्या आती है हमारी, स्ट्रीम अपस्ट्रीम हमें पता नहीं, तो अपस्ट्रीम एक्स मान लिया। स्पीड ऑफ बोट क्या निकली थी, 5 है बता रखा है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखा है 3। तो ये निकल गया अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर। ये इजी था, सॉल्व हो गया, कुछ भी नहीं करना था, कैलकुलेट करना था, बहुत ही सिंपल था। सेम फॉर्मूले में आपको रख लेना है स्पीड ऑफ स्टिल वाटर इज इक्वल टू, फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला था स्पीड ऑफ स्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम। तो यहाँ पे अपस्ट्रीम का हमें निकालना था, तो ये उल्टा जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बाय 2। स्पीड ऑफ स्ट्रीम पता है हमें, डाउनस्ट्रीम पता है, अपॉन 2 कर दिया, इज इक्वल टू अपस्ट्रीम हो गया। तो ये फॉर्मूला लिख सकते हो और उसके साथ रख के क्वेश्चन को जो है सॉल्व किया जा सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अ मैन रोज डाउनस्ट्रीम एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड रोज अपस्ट्रीम एट 15 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ही कैन रो इन स्टिल वाटर, की स्ट्रीम पूछी गई है। अगेन बहुत आसान क्वेश्चन है, स्टिल वाटर में क्या था, हाफ अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम, ठीक है। तो हाफ ले लिया अपस्ट्रीम कितना, 15, और डाउनस्ट्रीम 20, 20 प्लस 15 बाय 2 कितना हो गया, 35 बाय 2, ये हो गया आपका 17.5, ठीक है। ये क्वेश्चन निकल गया, इजी है ये सॉल्व करने के लिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप इसको इस ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। एक और ट्राई करते हैं, मैन कैन रो अ बोट एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर, इन वॉट टाइम कैन ही रो अ डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। सेम फॉर्मूला लिखना है, सेम तरीके से तैयार करना है, ठीक है। यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट हमें पता है कितनी है, स्पीड ऑफ बोट हमारी है 20 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये क्वेश्चन में है, अब स्पीड डाउन स्ट्रीम में हमें पता करनी है, डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड को ऐड करेंगे, सो 20 प्लस 5 करेंगे, यहाँ पे 25 किलोमीटर पर आवर, ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकल आएगी। अब टाइम निकालने के लिए वही स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन फाइम वाले फॉर्मूले में कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम पूछा गया है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे, डिस्टेंस दिया हुआ है 75 किलोमीटर, स्पीड हमने निकाल ली 25 किलोमीटर, आंसर आ गया 3 आवर्स। तो आपका यहाँ टाइम जो हो गया ऑप्शन ये सही हो गया आपका, थर्ड लास्ट वाला 3 आवर्स आपका आंसर आ गया। समझ आया, ये इजी था। एक और लास्ट देख लेते हैं, अ बोट गोज 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 8 आवर्स एंड अ डिस्टेंस ऑफ 49 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बिल्कुल स्टिल वाटर का पूछा हुआ है, फिर से वही करेंगे, अपस्ट्रीम बाय डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम बाय 2 करेंगे। तो अपस्ट्रीम में बता रहा है 40 किलोमीटर 8 आवर्स में गया है, तो स्पीड निकाल लेते हैं, 40 किलोमीटर 8 आवर्स में गया है, यानी ये 5 किलोमीटर पर आवर गया है स्पीड इसकी, और दूसरा वाला 49 किलोमीटर में गया है, 49 किलोमीटर 7 आवर्स में गया है, इसकी स्पीड निकाल लेते हैं, 7 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो गई। अब स्पीड इन स्टिल वाटर कैसे निकालेंगे, बिल्कुल उसी फॉर्मूला में 1 बाय 2
अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम, तो ये हो गया 7 + 5/2 यानी 12/2, तो ये आपका हो गया 6, आपका आंसर हो गया 6 किलोमीटर पर आवर, तो ये सेकेंड वाला आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे देखा आपने कितने इजी तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा, बोर्ड स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन, और इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट एफकैट एंड आईनेट के एग्जामिनेशन में। तो इसमें ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना, बिल्कुल डायरेक्ट टू द पॉइंट, टू द फॉर्मूला जो है वो आपका आंसर है। द मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो मैंने आपको बताए हैं वो यही आपको याद रखना है कि बोट की स्ट्रीम स्पीड अगर एक्स है और स्पीड की स्ट्रीम अगर वाई है तो एक्स माइनस वाई आपको फॉलो कराना है, और अगर डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं तो एक्स प्लस वाई, ठीक है। और उसके बाद ये दो फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं, तो कभी बोट की स्पीड मिसिंग होगी, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम दे रखा होगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कभी डाउनस्ट्रीम नहीं पता कर रहा होगा, अपस्ट्रीम और स्पीड ऑफ बोट लिखा होगा, तो ये दो फॉर्मूलेज अगर आप तैयार करते हैं तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं टिप्स अगर दू एफकैट के पेपर के लिए स्पेशली, क्योंकि उनमें ये ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज, अभी आपके पास टाइम कम है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न क्लियरली। बहुत ही लिमिटेड एंड रिलायबल सोर्स ऑफ स्टडी मटेरियल यू हैव टू यूज, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक वाइल स्टडिंग, एंड प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करिए ताकि आइडिया लग पाए कि ज्यादा से ज्यादा आप कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको आइडिया लग जाए रियल पेपर की तरह, एंड बी रेगुलर इन स्टडीज, क्योंकि मैथ्स को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो रेगुलरली जब तक आप मैथ्स को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह के आपको और स्टडी मटेरियल्स और प्रैक्टिस चाहिए जो बिल्कुल टू द पॉइंट हो एग्जामिनेशन के, सो यू कैन विजिट एट www.governmentcrackers.com एंड द कंप्लीट कोर्स विल बी गेटिंग फॉर 6 months एट जस्ट 799, वेयर आपको 200+ कंपाइलेशन ऑफ PDFs मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर्स 15+ इसमें अटैच्ड रहेंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट विल बी गेटिंग न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन, डिफेंस मैगजीन, वीकली असाइनमेंट्स टू चेक योर प्रिपरेशन एंड अ लॉट मोर, सो विजिट www.governmentcrackers.com टू गेट द मटीरियल एट ओनली जस्ट 799। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको डेली वोकैबुलरी भी मिलेगी, 10 words डेली एंड करंट अफेयर्स इन इंग्लिश एंड हिंदी, एंड देयर विल बी लाइव सेशंस ऑल्सो। तो आपने मटेरियल का एक सैंपल देख लिया, इस तरह के बिल्कुल रेलेवेंट मटेरियल्स विद द ट्रिक्स जिसमें आपको विदाउट पेन एंड पेपर यू कैन सॉल्व द मैथ्स, ठीक है। मैथ्स वाले सेक्शन को जो डिफिकल्ट सेक्शंस होता है वो भी आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, तो इसी तरह के ट्रिक्स आपको पूरे के पूरे पेपर में मिलेंगे, पूरे के पूरे मटेरियल में मिलेंगे, एंड सिर्फ रेलेवेंट टॉपिक्स कवर होंगे, नो एक्स्ट्रा थिंग टू स्टडी, जिसकी वजह से आपका क्योस और कंफ्यूजन नहीं होगा, एंड देन यू कैन क्लियर द एग्जामिनेशन नॉट ओनली द कट ऑफ बट एट अ वेरी गुड स्कोर, जो आपके मेरिट में इन होने के लिए भी हेल्प करेगा। सो वंस अगेन इफ यू हैव बीन थ्रू द कोर्स तो आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, सो दैट यू कैन कीप गेटिंग सच सॉर्ट ऑफ इंटरेस्टिंग अपडेट्स, क्लासेस एंड नोटिफिकेशंस रिलेटेड टू ऑल द डिफेंस एग्जामिनेशन। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद सम नेक्स्ट क्लास। Till then, Jay.